हेलो दोस्तों, मैं उराज और आप देख रहे हो टेक राज। तो आज एक मैं चीज शेयर करने वाला हूँ। कुछ दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि मैं अच्छा वीडियो डाल रहा हूँ, एसईओ कर रहा हूँ, फिर भी मेरा सब्सक्राइबर मतलब व्यू ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्त, मैं यही आपको शेयर करने वाला हूँ क्यों ट्रैफिक नहीं आ रहा है। एक्चुअली यूट्यूब में कुछ मतलब एसईओ कीवर्ड को लेके खेलना होता है। वो अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत टाइम लगेगा वो आने में, ठीक है। और वीडियो अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो वो भी आपको मतलब क्या होगा, यूट्यूब आपका चैनल को मतलब नीचे डालते रहेगा, आप चैनल में ट्रैफिक कम आएगा। मुझे मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं कुछ साल पहले बहुत अच्छा मेरा ट्रैफिक आ रहा था, वीडियो में 40,000 के ऊपर वीडियो व्यू आ रहा था, लाइक भी बहुत सारा आ रहा था। तो मेरा जो भी सब्सक्राइबर है वो पहले के वीडियो से ही आया है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं वीडियो बनाना कैसे मतलब क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद मुझे, मैं इसके लिए छोड़ दिया था वीडियो बनाना अचानक। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम से मैं फिर से कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू किया। तो अभी देखो मेरा बहुत सारा व्यू हो रहा है, बहुत अच्छा भी हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ है, इतना ही हो रहा है। फिर भी देखो मेरा 100, 200, 400, 500, 2000, 1800 जो भी व्यू हो रहा है, 900, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो अच्छे से हो रहा है, मतलब ओरिजिनल मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो ये चीज फॉलो करो, मतलब वीडियो डालते ही रहो। वीडियो ऐसा नहीं है वीडियो डालते डालते वीडियो बनाना छोड़ दिया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा मत करो। तो वीडियो कंटिन्यू डालो, डालते रहो वीडियो को। उसके बाद जो जो चीज आप लोग जानना चाहते हो, क्यों नहीं हो रहा है, आपका चैनल सर्च कर रहे हो तो सर्च में नहीं आ रहा है, चैनल फर्स्ट में नहीं आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, तो ये चीज मैं आप लोगों का भी सिखाने वाला हूँ, दिखाने भी वाला हूँ। चलो वो देख लेते हैं अभी सिस्टम में, चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था कि क्या क्या करना होगा अगर आप लोगों को ये सिस्टम ठीक करना है या आपको चैनल को सर्च में लाना है, चलो देख लेते हैं कैसे क्या करना है। ये देखो मेरा चैनल ओपन है। एक्चुअली ये मेरा चैनल दूसरा वाला चैनल है, ब्लॉग वाला, तो इसको ही देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये मेरा चैनल है, ओके। तो योर चैनल, मेरे चैनल में जाता हूँ अभी। देखो एक वीडियो डाला मैं मेरे चैनल पे, लाइक मेरा फैशन मॉडलिंग शूट वाला। तो अभी देख लेते हैं क्या करना होगा। कस्टमाइज चैनल ज़रूरत नहीं है, डैशबोर्ड पे चले जाते हैं पहले, मतलब यूट्यूब स्टूडियो पे जाते हैं। ये स्टूडियो पे आ गया, ओनली 3 सब्सक्राइबर है क्योंकि मैं चैनल को शेयर नहीं किया अभी तक। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, ये कर लेना आप लोग, मैं भी कर लूँगा। और जो दिखाने वाला हूँ मैं, ये देखो सेटिंग में जाना है, इधर इधर जाके नीचे में सेटिंग होगा। इधर देखो ये डॉलर साइन है, ये इंडियन, जब आपका पैसा आने लगेगा तब इधर आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से करेंसी में देखना चाहते हो। तो ये चैनल में चला जाना, उसके बाद इधर देखो ये मैं कुछ सेट किया हूँ व्लॉग। इधर कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आपका कंट्री जो भी है सिलेक्ट कर लेना, मेरा तो इंडिया है भाई, मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। दिया आ गया, ठीक है। और ये देखो ये कीवर्ड्स जो है, ये आप जो भी डालोगे ना इधर कीवर्ड्स सर्च में वो ही आएगा। तो मेरा चैनल का नाम है, मेरा चैनल का जो नाम है मैं वो दे दिया, तो इधर डाल दिया। इधर सेव करना है सिंपली, देखो मेरा चैनल का नाम जो भी है, ब्लॉग विद राज। तो ये जब मैं सर्च करूँगा, देखो सेव हो गया। अभी इधर सिंपली यूट्यूब को ऑन करो, अभी देखो व्लॉग विद राज लिखूंगा, VLOG विद राज आ गया देखो। तो अभी ये मेरा चैनल सर्च पे आ गया, ये देखो मेरा वीडियो भी सर्च पे आ गया, ठीक है। तो अभी नीचे देखो फर्स्ट चैनल ही मेरा है, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ फर्स्ट वीडियो मेरा है और फर्स्ट ये जो चैनल है वो भी मेरा है। ये चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो और कुछ कर सकते हो, और भी चीज़ है कुछ, इधर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चैनल पे जाना, इधर एडवांस पे आना, ये जो भी है आपका किट, अगर किट किट के लिए वीडियो बनाते हो किट सिलेक्ट कर लो। मैं रिकमेंड करूँगा ये मत करो, क्योंकि अगर ये सेट करोगे किट के लिए तो किट के पास ही सिर्फ आपका वीडियो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ओके। और ये ऑटो जनरेटर एड बैड ये रख देना, इसको डिसलाइक मत करना।
और ये चैनल सेटिंग एडवांस सेटिंग है। कुछ अगर अपडेट करना है आपको, कुछ अगर चैनल के और कुछ देना है, या इधर देखो ये सब कुछ आपका ऐड की एडवर्ड एक्टिवेट करना है तो इधर कर सकते हो, और आपका ये कोई अगर वेबसाइट है इसको आप ऐड कर सकते हो इधर, ठीक है। ये देखो मैनेज यूट्यूब अकाउंट पे जाते हो तो इधर आपका पूरा आ जाएगा ये डिटेल्स, अब इधर से सेट कर सकते हो सभी। लाइक देखो क्या क्या फीचर अभी मेरे चैनल में ऐड है वो भी देख सकते हो, न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हो, एडवांस व्यू कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। इधर देखो नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हो, प्लेबैक। ये देखो ये ब्रांडिंग का जो ऑप्शन है, इधर जाके आपको चूज करना है कोई भी इमेज, और इमेज साइज आपको PNG या GIF फाइल या कोई भी फॉर्मेट रखना है, 1 MB तक होना है, ये 150x150 का ये पिक्चर होना है, नहीं तो ये इधर सपोर्ट नहीं करेगा। तो इधर चूज़ करने लाए सिंपल इमेज, इधर कोई इमेज मेरा सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि इमेज ऐसा साइज का मेरा इमेज बनाया हुआ नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इधर गूगल में सर्च करेंगे यूट्यूब डी ब्रांडिंग मार्क लोगो मेकिंग फॉर फ्री ऑनलाइन, कोई भी आप साइट देख लेते इधर होता है या नहीं। तो इसको ओपन कर लेते, इसको भी ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इधर होता है या नहीं, अगर होता है तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ओपन हो गया तो अभी लोगो मेक कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं होता है या नहीं फ्री में, अगर फ्री में ना हो तो फोटोशॉप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इधर से शायद नहीं होगा, मेरा पिक्चर अपलोड करना नहीं होगा, तो जो दिखा रहा था ये देखो, ये वाला मैं जो भी वेबसाइट ऑन कर रहा हूँ ना इससे कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोग फोटोशॉप यूज़ करो या पेंट से भी कर सकते हो, इसका पेंडिंग का मेजरमेंट, ये वाला मेजरमेंट होता है, इसको करके इधर सिंपली आप लोग अपलोड कर दो, हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो क्या क्या फीचर अभी एनेबल है मेरा चैनल पर, ये दिखा रहा है, ठीक है। और बेसिक इधर है आप देख ही सकते हो, और इधर टैग लगाया करो, टैग लगाओगे तो आपका चैनल पहले सर्च में आ जाएगा, ये आपको करना है। और एक भी चीज़ सिखाता हूँ, 2A का आप इधर कोई भी पॉपुलर चैनल का भी कुछ दे सकते हो, लाइक मेरा चैनल का मैं दे देता हूँ, ये भी दे दिया तो ये सर्च में आ जाएगा। अभी देखो जब कोई इधर सर्च करेगा इसको तो ये भी सर्च में आएगा, मतलब टेकराज सर्च करने से ये भी आ जाएगा। तो ये चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर दो, इधर ब्लॉग मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, चलो। ओके, तो मैं जो बोल रहा था आपको दिखा दिया, ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स डालना होता है, ऐसे ऐसे टैग उधर डालना होता है, उसके बाद आपको सर्च में जब करोगे तब आएगा आपका ब्रांडिंग। अब वीडियो चलता है, वीडियो के नीचे एक ब्रांडिंग आता है, वो कैसे आता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो ये सब कुछ अगर आप करोगे तो एक प्रोफेशनल यूट्यूबर लगोगे, मतलब आपको वीडियो बहुत लोग देखेगा, देख के अच्छा लगेगा वीडियो को, ये सब कुछ करना चाहिए आप लोगों को वीडियो में। देखो पहले मेरा वीडियो था, मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके देखो कितना मतलब कैसा था, और अभी का वीडियो देखो कितना चेंजेस है। तो ये सब कुछ आप लोगों को करना है, थोड़ा थोड़ा तो कुछ करना ही होगा, थोड़ा तो मतलब टाइम देना ही होगा, तो जितना टाइम दोगे उतना अच्छा होगा। और एडिटिंग के लिए मैं क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, कैसे कैसे एडिट करता हूँ, ये मैं वीडियो बना के रखता हूँ, मैं आई बटन में दे दूंगा उसे, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो, उधर से कर सकते हो वो देख के, ठीक है। और कोई भी इसको लेके दिक्कत होता है, परेशानी होता है, आप लोग कुछ मतलब और भी करना है, मतलब और कुछ भी जानना है, तो मुझे कॉमेंट्स करो, कॉमेंट बॉक्स तो है ही आपके लिए, कॉमेंट्स करो और मैं उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और नया नया मेरा टॉपिक्स क्या आने वाला है, और कुछ आप लोगों को दूसरा भी टॉपिक चाहिए शेयर करो, वो भी मुझे कमेंट्स में भी शेयर करो, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, उधर भी शेयर करो, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये सब कुछ कर दूंगा। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।